मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने के बाद अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मशक्कत जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस के पार्षदों की जानकारी बुलाई है। खास बात यह कि सीएमओ को ये निर्देश दिए गए। हालांकि अब इस मामले की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की है, जबकि बीजेपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या उन्होंने पार्षदों की जानकारी बुलाने के लिए सीएमओ को निर्देश दिए थे या नहीं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भगवान दास सबनानी कह रहे हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जनता ने बीजेपी को बहुमत दी। आज परिणाम आए तो उसको दाएं बाएं करने की दृष्टि से कांग्रेस तरह तरह की बातें बनाती है, और केवल कांग्रेस को बातें बनाना आती है। उसको अपनी जमीनी हकीकत स्वीकार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने अब कांग्रेस को पूरी तरीके से नकारना आरंभ कर दिया है, और इसके परिणाम ये हैं कि स्थानीय निकाय जिसको वो सेमीफाइनल कहते थे, सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी 85 और 90% अंक लेकर के उत्तीर्ण हुई है। आने वाला चुनाव जिसको हम फाइनल कहते हैं, जिसको कांग्रेस ने प्रारंभ में फाइनल का कहा था कि 2023 फाइनल होगा, तो 2023 आते आते भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में फिर से सरकार बनाएगी और लोकप्रिय सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी।